गुड इवनिंग। कक्षा 9वीं में आज हम हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार। क्या पढ़ेंगे यार? अलंकार। अलंकार की परिभाषा, अलंकार कितने प्रकार का होता है और उसकी परिभाषा। जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। जिन गुण धर्म द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जैसे बहुत अच्छी सुंदर कविता होती है उसे हम अलंकार कहते हैं ना। अलंकार के भेद। काव्य में कभी कभी अलग अलग प्रकार के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, हो जाती है और फिर उसमें चमत्कार होता है। जैसे उस होता है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब हम देखेंगे कि आगे शब्द अलंकार में उसकी परिभाषा। जब काव्य में शब्दों में काव्य में वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं, है ना। शब्द के विशेष कारण से सौंदर्य उत्पन्न होता है और विशेष पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अगर उसमें ज्यादा हम पर्यायवाची ने उसके विरुद्धार्थी रखेंगे, पर्यायवाची ने एक से शब्द रखना। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका। एक कनक का अर्थ होता है, क्या होता है? एक कनक का सोना। क्या है? सोना। और एक होता है कनक आटा, आटा है ना, गेहूं का आटा। तो क्या पढ़ेंगे कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा, ये आटा होता है ना गेहूं का, उसका अर्थ बताया गया है ना। देने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है अगर हम गेहूं का पर्यायवाची रखते हैं। कनक कनकते सौ गुनी ये कर इन पंक्तियों में बताया है। सब ये शब्द अलंकार हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कनक का अर्थ हुआ सोना। बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा कि काव्य की सौंदर्य की वृद्धि होती है तो कनक कनकते सौ गुनी, इसमें हमने अभी अपने उसके अर्थ पढ़े, एक ही पर्यायवाची शब्द के अर्थ पढ़े कि उसका सौंदर्य ना समाप्त होता और ना ही बढ़ता है। और फिर इधर कनक शब्द का अर्थ दो दो बताया गया, से एक कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा बता दिया है। और इससे क्या हो रहा है, कविता काव्य पाठ का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। और अगर कनक कनक इकट्ठा रहे तो काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार होती है उसे, तब फिर वहां पर क्या आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है। ता शब्द की अगर वृद्धि, इसमें उदाहरण कैसे पढ़ेंगे हम, केस में कितने बार आ गई है, ये ता शब्द की वृद्धि ज्यादा हुई। तरिणी, तनुजा, फिर तमाल, तरुवर, तट, तमाल, तरुवर और तट, ये शब्दों की वृद्धि हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गई, आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई, इसे क्या कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार, है ना। क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। अब उदाहरण समझेंगे हम कि क्या है, रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। इसमें भी किससे किसकी हुई वृद्धि? रा शब्द की, रा शब्द की वृद्धि हुई है ना। रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीता राम, रावण की वृद्धि आवृत्ति हुई, बार बार आया सब। चारु चंद की चंचल किरणें, चारु यहाँ पे आए ये सब चंचल है ना। चारु चंद की चंद, ये उदाहरण के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, माँ की वृद्ध वर्ण की आवृत्ति बढ़ गई है ना। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, यहाँ भी माँ की। सट सुधर ही संत संगति पाई, सा शब्द की। कालिंदी कूल कलिंदी ये आए, कालिंदी कूल कलिंदी का वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। इसे क्या बोलेंगे हम? अनुप्रास अलंकार। अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब कोई वर्ण या शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग हो जाए उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। यहाँ क्या हुआ उदाहरण का? तीन बेर खाती थी, इधर बदल गया। यहाँ ये क्या हुआ? बदल गया। क्या हुआ यहाँ पे? बदल गया। तीन बेर खाती थी, वे लग गया। क्या लग गया? वे तीन बेर खाती है ना। यहाँ पे बदल गया शब्द, ये तो यहाँ क्या लग गया? वे लग गया। उधर आया कि तीन बेर खाती है, इनने बदल दिया वे। फिर इसी का फिर से बता दिया कि कनक कनक से सौ गुनी मां दत्ता अधिकार, या खाए बोराए नहीं वा खाए बोराए। यहाँ कनक का अर्थ है सोना और धतूरा। ये क्या हुआ? यमक अलंकार में भी यहाँ पर इसका उदाहरण आता है। काली घटा का घमंड घटा, नव तारक मंडल वृंद के, यहाँ बदल गए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक घटा का अर्थ काली घटाएं और दूसरी घटा का कम होना। घमंड घटा यानी कम होना, कम होना इसका। और काली घटा का घटाएं, बहुत सारी घटाएं, काली घटाएं बहुत सारी, बहुत घटाएं। है कभी बेनी बेनी बयाल चुराई दीनी, बेनी बेनी। एक बेनी का अर्थ है कभी का नाम, दूसरे का है बाला, बालों की चोटी, बालों में लगाई जाती है ना, बालों में बेनी की चोटी लगाई जाती है ना ऐसी, उसे बेनी बोलते हैं ना। फिर रति रति शोभा सब रति शरीर के, यहाँ रति का अर्थ है एक तनिक तनिक अर्थात सारी, और रति का अर्थ है कामदेव। एक का है तनिक तनिक का सारी और दूसरे का कामदेव की पत्नी का बताया। रति का अर्थ कामदेव की पत्नी को बोला। यहाँ क्या आ गया? यमक अलंकार। यमक अलंकार यहाँ पे क्या हुआ? अर्थ अलग अलग हो गए। कोई भी शब्द का एक बार से अधिक आए और उनका अर्थ अलग हो जाए तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए, कितने बार आए? एक बार, और एक से अधिक अर्थ प्रकट हो जाए उसके, उसे श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राख, ये बिन पानी सब दूर, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राख, ये बिन पानी, ये रहीमन पानी राख, ये बिन पानी सब सून। पानी गए ये बार बार आए, इसमें चिपका हुआ है। पानी गए न उभरे मोती, मोती मानुष चून।
या दूसरी पंक्ति में पाणिनि शब्द एक बार आया और परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग है। जैसे पानी का यह होता है, एक है मोती, मानुष, मानुष को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, हम मानुष तन है, हमें पानी की जरूरत अधिक से अधिक होती है। फिर चून, ये चून यानी आटा होता है, इधर पे चून का अर्थ क्या होता है, आटा, चमक, इधर पे बताया फिर से चमक। फिर एक और अर्थ बताया है, एक इज्जत, यहाँ जल, पानी का प्रमुख है जल, पर इसके अर्थ सब जगह अलग हो गए, मोती की चमक है ना, मनुष्य की इज्जत, जो आटे में बिना जल के आटा मरता नहीं, तभी रोटी बनती है, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब है और भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, मधुबन की छाती को देखो सूखी इतनी कितनी कलियां, यहाँ कलियों का अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन आने से पहले की अवस्था। फिर बताया है चरण धरत चिंता करत चितवन चारोर सुवर्ण की खोजत फिरत कभी व्याभी चारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, जैसे कि कवि ने संदर्भ में कहा है सुंदर शब्द व्याभी चारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग, चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है सोना। वहां हमने क्या पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार की और यमक अलंकार में कनक का अर्थ सोना, इधर इन्होंने फिर इसका अर्थ बदल दिया वर्ण शब्द का, व्याभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है क्या है, सोना है ना। फिर मगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पर शब्द दोनों के अर्थ, वस्त्र और दरवाजा, मगन को देख पट देत बार बार। फिर मेरी भाव वादा हरो राधा नागरिया सोय जातन की झाई बड़े श्याम हरित दुई होय, यहाँ हरित शब्द के अर्थ है हर्षित होना या प्रसन्न होना, क्या है प्रसन्न होना, हरित शब्द का अर्थ प्रसन्न होना है ना, हरे रंग से भी है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हरित याने हरा, हरित याने हरा भी होता है, हरा है अर्थ अलंकार। अर्थ में, अर्थ अलंकार में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार, अर्थ अलंकार के कितने भेद बता रहे थे हम, पांच, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानकीकरण। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है और प्रसिद्ध वस्तु की व्यक्ति से ही तुलना, एक व्यक्ति की प्रसिद्ध वस्तु दूसरे व्यक्ति से की जाती है उसे उपमा अलंकार बोलते हैं। पीपर पाद सरिस मन डोला, यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, यहाँ क्या है ये उपमा अलंकार, उपमा दी गई ना पीपल के पत्ते से की गई है मन की डोलना है ना, मन की तुलना। फिर उपमा अलंकार के चार भेद होते, जैसे उपमेय, उपमान, और यहाँ पे उपमान का क्या बताया, समान धन उपमेय, उपमेय दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में डोलना समान धर्म है, क्या बताया, डोलना समान धर्म है, डोलने की तुलना क्या गई, क्या की गई थी, मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से, इसको क्या कहा गया है उदाहरण में, डोलना समान धर्म है, मन डोलता है ना हमारा बार बार, ही डोलना बोलते। फिर अन्य उदाहरण है के अनुसार हम इनको पढ़ सकते हैं, जैसे बताया उपमेय में मुख, क्या बताया मुख, उपमान दिया है कि मयंग, मुख मयंग सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पे उपमेय हो गया मुख, मयंग हो गया उपमान, साधारण शब्द धर्म हो गया क्या मंजू मनोहर, वाचक शब्द हो गया सम,
दूसरा है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की ढेरी थी। तो उपमेय में क्या हो गया, बच्ची, उपमान फूल, साधारण कोमल, वाचक सी सब। ऐसे ही सारे उदाहरण के अनुसार हम इनको समझ सकते हैं, अलंकारों को। रूपक अलंकार क्या पढ़ा था हमने अभी पहले, सबसे पहले उपमा अलंकार, फिर अभी ये रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ हरि के चरणों में उपमेय में कमल के समान बताया, उपमान का आरोप है क्या, कमल, और चरणों को बता दे क्या बताया है, उपमेय। फिर मुनि पद कमल बंधी दो उभराता, मुनि के चरणों पर कमल उपमान का आरोप बताया। भज मन चरण कमल अविनाशी, ईश्वर के चरणों को उपमेय बताया है, पर यहाँ कमल या कमल का उपमान को आरोप शब्द बता दिया। ऐसे ही उदाहरणों से हम आगे इसको उपमा, उपमान और साधारण शब्द या संशब्दों को पढ़ सकते हैं। अंबर पनघट में ध्रुवो तारागढ़ उषा नागरी। अंबर क्या है यहाँ, उपमेय, और उपमान का तथा तारा उपमेय, यहाँ भी इनका क्या हुआ, तारा का उपमान, पाटघट उपमान का आरोप बताया, पाटघट। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना या उपेक्षा बढ़ जाती है, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई हूँ, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल यानी आंसू उत्तरा के जल से ने उत्तरा के नयन बह रहे तो भरे नयन यानी यहाँ पे आंसू। उपमेय में हिम कणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, परिपूर्ण कमल है ना, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, पहचान मनहु मानो जानो जनहु ज्यों जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण दिए, जैसे धाय धाम काम तब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय में और निधि उपमान की संभावना बताया गया है। यहाँ मेंढकों की आवाज उपमेय में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है ना। जैसे देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनुनिज निधि पहचाने। यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय में निधियां उपमान की संभावना प्रकट की गई है। फिर ऐसे ही उदाहरण बताए गए हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं, और उदाहरणों से ही हमें सब समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पर जीन, मानय सुर सरिता विमल जल उचरत जुग मीनिया। घूंघट के जीने परों से ढके नैनो उपमेय है, और गंगा जी की उछलती युगल मीन उपमान की संभावना प्रकट कर रहे हैं। यहाँ क्या बताइए हमने भी आपको, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या हो जाता है, जहां किसी व्यक्ति वस्तु आदि को गुण रूप सौंदर्य आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। जैसे किसी की बड़ाई करना हो, किसी का कोई ज्यादा बहुत सारी तारीफ बढ़ बतानी हो, तो उसको हम एक की चार लगाना कह सकते हैं उसको। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। यहाँ बड़ाई हुई ना, एक यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है। क्या बताया, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बता दिया।
यहाँ क्या हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति हमें बढ़ा चढ़ाकर बताना, अतिशयोक्ति हमें बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। ठीक, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का अतिशयोक्ति वर्णन है। हनुमान की पूछ में लगा न पाई आग, सिंकरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में आग लगाने से पूर्व सोने की लंका का जलकर राख होने का अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है ना। कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा चढ़ाकर बताना, मान भी करण अलंकार। जब जड़ पदार्थ द्वारा प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पक्षी आदि पत्थरों पत्थरियाओं का आरोप लगाया जाता है, वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। हंस आया, दाताल लाया, पानी परात भर के, यहाँ मेहमान के आने का तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते दिखाया है। जैसे अन्य उदाहरण आपको दिए हैं कि मैं मसे भीगती हुई गेहूं की तरनाई फूटी आती है, यहाँ गेहूं की तरनाई फूटे के मानवीय क्रियाओं का आरोप है। फिर बताया, यौवन में माटी मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती, सखियों से आंख लड़ाने का मानवीय क्रियाओं का आरोप बताया है। इस लाइन में सखियों के साथ आरोप लगाने का बताया है कि मटर बेली यानी मटर गश्ती कर रही सखियों के साथ और आंख लड़ाते हुए मानव क्रियाओं का आरोप बताया गया। लोने लोने में घने चने क्या बने बने जलाते हैं, होले होले होली गा गा कर ठुमरी पर ताल बजाते हैं। यहाँ चने का होली गाने सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया। होले होले यानी धीरे धीरे। हे वसुंधरा के देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा का बताया है कि सुबह उठते ही वह सूरज जैसे की रोशनी से लाल हो जाती बड़ी है और रवि बटोर लेती अपने को सूरज को अपने में बटोर के संग सुबह कर देती है। यह आपको